हेलो दोस्तों, महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास तो वैसे बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, पर उन्हीं में से एक जो सबसे ज्यादा फेमस हिल स्टेशन है उसका नाम है माथेरान, जो मुंबई से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां जाने का सबसे बड़ा आकर्षण इसलिए है कि वहां पर एक टॉय ट्रेन चलाई जाती है, जिसे 113 सालों से चलाया जा रहा है, पर अभी उसे टक्कर देने के लिए एक नए विकल्प के बारे में सोचा जा रहा है, तो वो है एक फनिकुलर ट्रेन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या होती है ये फनिकुलर ट्रेन, क्या उसके फायदे होते हैं, इसे बनाने में कितना खर्चा आने वाला है और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में देखने के लिए, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। महाराष्ट्र के माथेरान के बारे में अगर बात की जाए तो वो एक सह्याद्री पर्वतमाला में बसा हुआ बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है, जहाँ पर जाने के लिए एक टॉय ट्रेन चलाई जाती है जिसकी कुल लंबाई लगभग 20 किलोमीटर की है, और यह माथेरान के टूरिज्म का बहुत बड़ा आकर्षण है, पर उसी के साथ बहुत सारी दिक्कतें भी जुड़ी हुई है, जैसे कि मानसून सीजन में इसे चलाया नहीं जा सकता और ऊपर से यह अभी 113 साल पुरानी ट्रेन हो चुकी है, जिससे बार बार इसमें कुछ न कुछ दिक्कतें आती ही रहती है। और इस टॉय ट्रेन की 20 किलोमीटर लंबी यात्रा करने के लिए यात्रियों को लगभग 2 से 2.5 घंटे तक का सफर करना पड़ता है। उसके अलावा माथेरान शहर में ईंधन पे चलने वाले किसी भी तरीके की गाड़ियों को प्रवेश नहीं दिया जाता, इसलिए लोगों को माथेरान से 3 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ियां पार्क करके चल के या घोड़ों की मदद से ही माथेरान जाना पड़ता है। इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए MMRDA बहुत दिनों से एक ऐसे पर्याय के बारे में सोच रही थी, जिससे ऑल वेदर कनेक्टिविटी और कम से कम ट्रैवल टाइम का ऑप्शन अवेलेबल कर दिया जाए, ताकि आने वाले यात्रियों को किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना न करना पड़े। और इसी के लिए MMRDA ने फनिकुलर ट्रेन के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए कुछ ही सालों में इसका निर्माण करने का ठान लिया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। अब जानते हैं इस ट्रेन के कुछ फायदों के बारे में। तो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि अभी जो लगने वाला 2.5 घंटे का समय है वो कटकर सिर्फ 15 से 20 मिनट का रह जाएगा। इस वजह से ज्यादा यात्री इस ट्रेन की यात्रा का फायदा ले पाएंगे। और अगर इसके रनिंग कॉस्ट की बात करें तो वो एक टॉय ट्रेन चलाने के मुकाबले बहुत ही कम होने वाली है। इसके अलावा बार बार टॉय ट्रेन में आने वाली दिक्कतों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा और यह ट्रेन साल के 12 महीने यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। अगर इस प्रोजेक्ट के बजट के बारे में बात की जाए तो इसके निर्माण में लगभग 130 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। यह प्रोजेक्ट पूरी तरीके से तैयार होने के बाद भारत का फनिकुलर ट्रेन वाला 5वां प्रोजेक्ट हो जाएगा। इससे पहले पलानी तमिलनाडु, बिरला भिवपुरी रोड, जोगिंदर नगर हिमाचल प्रदेश और सप्तश्रृंगी टेम्पल नासिक में फनिकुलर ट्रेन के प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। तो अब जानते हैं कि ये ट्रेन असल में चलती कैसे है। इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है, दोनों साइड के बोगीज को केबल से जोड़ा जाता है और बाकी बचा हुआ काम ग्रेविटेशनल फोर्स कर देता है। इसमें काम कुछ इस तरीके से होता है कि ऊपर से नीचे आने वाला बोगी अपने वजन के कारण नीचे वाले बोगी को ऊपर खींच लेता है और इनके वजन में कुछ अंतर है तो उसे इलेक्ट्रिक मोटर के साथ चलाकर मैनेज कर लिया जाता है। इसी कारण के वजह से फनिकुलर ट्रेन को कम से कम लागत पर चलाना संभव हो पाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत में ऐसी और कौन सी जगह है जहां इस तरीके की फनिकुलर ट्रेन का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।